आखिरकार प्रतिदिन कितना सोना दान करता था? क्या वह सच में एक सच्चा दानवीर योद्धा था या फिर एक छलिया था? एक समय की बात है जब कर्ण का जन्म हुआ और बचपन से ही वह दानवीर था। उससे जो कुछ भी हो पाता वह निसंकोच दान कर देता। जब उसकी मृत्यु हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन से हुई तब दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और अंगराज कर्ण ने खूब उपलब्धियां प्राप्त की और आभार सोना चांदी होने के कारण जिससे अंग देश में कर्ण द्वारा तकरीबन सवा मन सोना यानी कि 50 किलो सोना हर दिन दान में दिया जाता और जो कोई भी उसके राज में कुछ भी मांगने की श्रद्धा से आता वह कभी निराश होकर घर नहीं लौटा। यहाँ तक कि अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव के मांगने पर भी और हंसते हंसते इंद्र को दान में दे दिया था। लेकिन अर्जुन द्वारा कर्ण का जब विनाश हुआ तो पांडवों को यह पता चला कि कर्ण ही उनका बड़ा भाई था। तब युधिष्ठिर के राज तिलक होते ही यह ऐलान किया था कि कर्ण के नाम से प्रतिदिन 50 किलो सोना कर्ण के नाम से हर दिन दान में दिया जाएगा। वास्तव में कर्ण एक महान दानवीर योद्धा था। आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे आप पर भगवान की कृपा बनी रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।